रहोगे। मैं फोन करता हूँ, मैं बाथरूम चला गया ना, सब तो मैं नहीं मिलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यूट्राइन के बारे में, क्या होता है ज्यूट्राइन। देखिए ये जो ज्यूट्राइन वर्ड है ये आएगा हमारा प्रोटीन्स के केस में। प्रोटीन जो होता है हमारा, प्रोटीन का मोनोमर हुआ करता है, मीन सिंपलेस्ट यूनिट हुई करती है अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। क्या होता है अल्फा अमीनो एसिड, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप हो, कम से कम एक एसिडिक ग्रुप हो, कुछ इस तरह से। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे आप लगा दीजिए अमीनो अमाइन एनएच टू एसिड लगा दीजिए सी डब्लो एच। इस कार्बन कितने बोल रहे हैं, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे कुछ व्यवस्था है एच, और यहाँ पे हम आर मान लेते हैं या फिर जी मान लेते हैं कोई भी एक ग्रुप हो। तो होता क्या है, ये एक एसिडिक ग्रुप है, ये एक बेसिक ग्रुप है। एसिड क्या होते हैं, जो एच पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, बेस क्या होते हैं, जो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एच पॉजिटिव चलेगा एसिड से और बेस की तरफ जाके चिपक जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से देखिए ये एच पॉजिटिव चला है, ये जो प्रोटॉन है माइग्रेट हो गया एसिड से बेस की तरफ, एच पॉजिटिव गया है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे एच पॉजिटिव आया तो ये होगा हमारा NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो आयन बन चुके आपके, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, आप इसको कह सकते हो ड्यूअल आयन। इस ड्यूअल आयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहा करते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, क्या होगी डेफिनेशन, व्हेन अ प्रोटॉन इज माइग्रेटेड इन अल्फा अमीनो एसिड, व्हेन ए प्रोटॉन इज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन ग्रुप, सो दैट ड्यूअल आयन इज फॉर्म्ड एंड दिस ड्यूअल आयन इज नोन एज ज्यूट्राइन। ड्यूअल आयन में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूट्राइन बोलते हैं। अल्फा अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के किसके पास चला जाएगा, अमाइन ग्रुप के पास चला जाएगा, अमाइन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या आ जाएगा हमारा उस टाइम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हमारा एक प्योर आयन बन जाएगा और उस प्योर आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यूट्राइन। तो ये तो अपना सिंपल सा ज्यूट्राइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।